नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साल 2022 में अप्रैल महीने के बाद मेष राशि वाले जातकों के जीवन में घटने वाली मुख्य घटनाओं के विषय में। अप्रैल महीने के बाद इसलिए चूंकि अप्रैल में तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 12 अप्रैल राहु और केतु, केतु वृश्चिक से तुला में, राहु वृषभ से आपके धन भाव से प्रथम भाव में आएंगे। बहुत बड़ा प्रभाव मेष वालों के व्यापारिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन पर इसका पड़ेगा। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें इनकम के भाव से, आय के भाव से आपके खर्च के भाव में चले जाएंगे और 29 अप्रैल को शनिदेव आपके कर्म स्थान से इनकम के स्थान में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के तीन बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार, किस प्रकार की खुशियां लेकर के आएगा और कौन कौन सी बड़ी सावधानी आपको बरतनी है और उपाय, आज की वीडियो में यही बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। तो पहले राहु राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राहु आपके धन भाव से प्रथम भाव में आएंगे तो एक बात तो स्पष्ट है, अपने लोगों से कलह का वातावरण बनेगा। जो लोग आपके सहायक हैं, जो लोग आपके मित्र हैं, जो लोग आपके निकट हैं, जो लोग आपके बिल्कुल एकदम से भावनात्मक टच में हैं, उन लोगों से कलह का वातावरण बनेगा, इस पर आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि राहु का यह स्वभाव है, राहु का मतलब है भ्रम, राहु का मतलब है छल कपट, कपट से, छल से, धोखे से, झूठ से। अमृत पीकर राक्षस से देवता बने हैं राहु, तो राहु के स्वभाव को आप समझ सकते हैं। और आपकी राशि में राहु होने पर आपके खिलाफ यहाँ पर षड्यंत्र और धोखाधड़ी का माहौल बहुत बड़े स्तर पर बनने जा रहा है। तो यह साल आपको धोखाधड़ी से सावधानी बरतनी है, किसी भी कागज पर देख संभल कर साइन करने हैं, बहुत मोटा पैसा किसी को विचार पूर्वक ही देना है। कुल मिलाकर के कोई भी काम करे सावधानी पूर्वक करें। सातवें केतु हल्के फुल्के पेट रोग और पत्नी प्रेमिका से तनाव आपको देगा, तो राहु का तो आपको उपाय करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली शनि राशि परिवर्तन के विषय में। शनि 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपके एकादश भाव में रहेंगे, वहां से शनि की नीच दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी। शनि 11वें होने से इनकम के सारे रास्ते खोल देंगे। तृतीय षष्ठे एकादशे सर्वे पापग्रह सर्वारिष्टम निवार्येत, 3, 6, 11 में गया हुआ शनि राहु केतु मंगल इनकम के सारे मार्ग खोल देते हैं। भविष्य के लिए व्यापारिक बड़े स्तर का प्लेटफॉर्म बनेगा, लेकिन आपकी राशि पर नीच दृष्टि होने से दौड़ धूप का माहौल बनेगा। राहु पहले से ही वहां विराजमान है, ऊपर से शनि की दृष्टि, तो षड्यंत्र और धोखाधड़ी, ये दो चीज तो आपको पूरी तरह से इसमें अलर्ट हो जाना चाहिए। कौन कहां क्या गेम आपके खिलाफ खेल सकता है वो तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। बाकी 11वें शनि हमेशा ही उत्तम होते हैं, इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पर बताया गया है। तो 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक शनि के जब तक कुंभ राशि में रहेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपको आता रहेगा, उसमें कोई कमी लगने वाली नहीं है। बृहस्पति 11वें स्थान में होने से जो आप मजे लूट रहे थे, इनकम का माहौल बना हुआ था जबरदस्त वाला, अब चले जाएंगे बृहस्पति 12वें। लेकिन बृहस्पति के इस कमी को तो पूरा करेंगे शनिदेव की स्थिति, वहां पर 11वें स्थान में कोई ना कोई ग्रह है, पहले गुरु थे अब शनि है। लेकिन बृहस्पति के 12वें जाने पर इनकम के साथ साथ अपव्यय,
की स्थितियां बनेंगी, लेकिन वह केवल स्थितियां बनेंगी। अपव्यय करना या अपव्यय ना करना, यह आपके हाथ में है। खर्चे की परिस्थितियां बन रही हैं, मैं खर्चा करूं ना करूं, यह मेरे अधीन है। या ज़्यादा खर्च है कहीं पर तो कम में काम चला लो। तो विचार पूर्वक, क्योंकि देवता जब किसी को अच्छा या बुरा फल देते हैं तो उसके सर में आकर के डंडा नहीं मारते, व्यक्ति की बुद्धि को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो खर्चे की स्थितियां बनेगी, आपका मूड बदलेगा, यह भी कर लूँ वह भी कर लूँ, लेकिन लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। नहीं तो जब पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा ना, फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी पैसे की तो पछताना पड़ेगा। सातवें केतु भी आपको पत्नी के साथ मन मिटाओ, और बारहवें बृहस्पति भी पत्नी के साथ मन मिटाओ प्रेमिका के साथ तनाव का माहौल पैदा करेंगे। तो आपको इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना है। ये ऐसी घटनाएं मैंने बताई जो 100% होकर के रहेंगी इस साल में आपके साथ, इस तरह के माहौल बनेंगे कहीं ना कहीं। लगन में राहु और नीच शनि की दृष्टि मान सम्मान की हानि कराएगी, और राहु केतु अगर कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तो हवालात की हवा भी कुछ दिन के लिए खानी पड़ सकती है। झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं। जो काम आपने नहीं किया, जो गलती आपने नहीं की, उसका दंड भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के मिला जुला यह साल रहेगा, और विस्तृत चर्चा 11 जो बृहस्पति का फलादेश है पूरे साल रहेगा, जो मैंने बताया, जो राहु का फलादेश है पूरे साल रहेगा, लेकिन शनि के फलादेश में 11 जुलाई के बाद में कुछ बदलाव आएंगे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और लेकर के आऊँगा। उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। भाई साहब, मैं हमेशा बताया करता हूँ कि भैरव जी का मंत्र जाप करने से शनि राहु केतु संबंधित दोष नष्ट हो जाते हैं। तो आपको भैरव जी का मंत्र जपना चाहिए बम बटुकाइन में। 12वें बृहस्पति की शांति के लिए नारा पूर्णिमा का व्रत करें, और नारायण के मंदिर में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन यथासंभव अन्न का दान करें। यह दो उपाय ही आपको, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें, यह दो उपाय ही आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी शानदार सी गोचर अपडेट के साथ निकट भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।